हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सात दिन में मांगों के निपटार का आश्वासन, जिला प्रमुख बोले कलेक्टर कंपनी से करेंगे बात, बदले की भावना से नहीं होगी कार्रवाई। पचपदरा रिफाइनरी के सिक्योरिटी इंचार्ज विनोद कुमार द्वारा पचपदरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाए जाने के बाद रिफाइनरी यूनियन के स्थानीय ठेकेदारों व युवाओं में रोष व्याप्त है। इसको लेकर जिला प्रमुख के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई। जिला प्रमुख ने कहा कि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि सात दिन में मांगों पर कंपनी से बात कर निपटारा कर दिया जाएगा। द्वेषपूर्ण भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल HPCL सुरक्षा एजेंसी के पचपदरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाए जाने के बाद मंगलवार शाम को रिफाइनरी यूनियन के बैनर तले स्थानीय ठेकेदारों व युवाओं ने चौकी के पास धरना दिया। इसमें जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल हुए। एक सप्ताह में दूसरे बार धरने की जानकारी पर मौके पर प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में माकूल जाप्ता तैनात रहा। करीब दो घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर धरना समाप्त हुआ। बुधवार सुबह यूनियन का जनप्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पर कलेक्टर लोकबंधु के चेंबर में ADM ओम प्रकाश विशोई, ASP नरपत सिंह, CEO मोहनदान रत्नों के साथ जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि मंडल की मीटिंग हुई। मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि कलेक्टर लोकबंधु और जिला अधिकारियों के साथ वार्ता हुई और वार्ता में सात दिन के अंदर HPCL रिफाइनरी में काम रही कंपनियों के साथ बैठक कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने व स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं, इनमें द्वेषपूर्ण भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये था मामला। पचपदरा पुलिस थाने में मंगलवार को HPCL के सिक्योरिटी इंचार्ज विनोद कुमार ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 11 अक्टूबर को 20 से 25 गाड़ियों में सवार होकर आए अज्ञात लोग स्टाफ को धमकाते हुए रिफाइनरी में घुसे, जहां वेंडर को धमकाया और कहा कि प्रोजेक्ट में काम व ठेका उन्हें दिया जाए, नहीं तो आपको भी काम करने नहीं देंगे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बात की जानकारी मिलने पर मंगलवार को यूनियन पदाधिकारियों ने मैसेज भेजकर बैठक बुला दी। इस पर शाम 5 बजे रिफाइनरी चौकी के पास लोगों को भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई। करीब दो घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को समझाने पर धरना समाप्त हुआ। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।